कुछ इस तरीके से था बेड, मेरा बेड था यहाँ पे, फोल्ड बेड नेक्स्ट टॉम था। रेडी हो चुका हूँ, फटाफट निकलते हैं, एक बंदा सोया हुआ है इसलिए ज़्यादा जोर जोर से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है चलिए बाहर निकलते हैं। सो जी, हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरय मंगल मूर्ति मोरय ओम नमः शिवाय जय माता दी खुदा या अल्लाह वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल पर रखिएगा। सो ये थी प्रॉपर्टी, देख लो, वूश वूशा वूश कह रहा हूँ, वूशा WOOSAH हॉस्टल एंड रूम्स दोनों है इसमें, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं भाई है कि नहीं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छे कैफे वैफे सब कुछ है ऊपर। नो 40,427 किलोमीटर चेतक अभी तक चल चुका है। थैंक यू खार दूंगा नुब्रा देन त्याक्षी, थैंक यू सो मच बाय। स्कारा रोड, ये जो प्रॉपर्टी है ये स्कारा रोड पे है। ऐसे आओगे गाय माता सामने भाई, ये जो है ना वाजवान इन रेस्टोरेंट, ये वाजवान द लद्दाख फूड इन वाजवान इन। भाई साहब यहाँ पे मैं गया था फर्स्ट डे जब आया था नाइट में डिनर करने, तीन बंदे कश्मीर के थे, कश्मीरी मुसलमान थे, वो लोग ऐसे बात कर रहे थे भाई, मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड। कहते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तब आओ कश्मीर, तब देखना मज़ा, मतलब तो बोलते हैं कि भाई जिस दिन पाकिस्तान जीतती है ना फिर वहाँ जश्न देखो, हम लोग क्या जश्न मनाते हैं। आर्मी वाले की इतना गंदा वर्ड यूज़ किया उसने, फिर मेरी बहस हो गई, बहुत बहस हुआ मेरा। अब था मैं अकेले फिर भी मैं लड़ा उनसे, मैं बोला मैं नहीं सुनूंगा भैया, मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी से बढ़ के कुछ नहीं है, अपने देश मेरे देश और मेरे इंडियन आर्मी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो बहुत बहसा बहसी हुआ, फिर मैं निकल के वहाँ से चला गया, खाया भी नहीं। मैं बोला यार एक तो तुम यहाँ पे बैठ के कमा रहे हो खा रहे हो, रास्ता है क्या हमारे देश में ही बैठे खा रहे हो? बोलता है कि हमको हमारा भी टाइम आएगा, मतलब हमारा टाइम आएगा मतलब हम आज़ाद होंगे, बहुत जल्दी आज़ाद होंगे। मैं बोला सुन ना भाई तू आज़ादी है ठीक है, ये जो तेरे को लगता है ना कि तू पाकिस्तान से मिल जाएगा तो तू आज़ाद हो जाएगा और हिंदुस्तान में तो तू आज़ाद नहीं है, तू आज़ाद है। जिस दिन पाकिस्तान में चला जाएगा ना उस दिन तेरी कुत्ते की ज़िंदगी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, सॉरी टू से बट यही है रियलिटी। एग्जैक्ट 8 बजे मैं निकल गया हूँ लेह से। कल वाला जो ब्लॉग था वो लेह सीरीज का फर्स्ट ब्लॉग था जिसमें लेह एक्सप्लोर किया मैंने, और कल भाई साहब केवल मैं पता है क्या घूम रहा था, मोनास्ट्री, इतने सारे मोनास्ट्री और गोम्पाज है ना यहाँ पे भाई साहब, घूम घूम के लग रहा था मैं भी मोनास्ट्री में ही बस जाऊँ। तो वो फर्स्ट एपिसोड था, ये है सेकंड एपिसोड। देख रहे हो सुबह मॉर्निंग में कितना खूबसूरत लिख रहा है माउंटेन, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। और यहाँ भी एक पेट्रोल पम्प खुल गया, वेरी गुड, 17,982 फीट के हाइट पे है खारदुंगला। चलिए वहाँ माउंटेन नज़र आ रहे हैं आपको, वो वाले माउंटेन्स, वहाँ पे जाना है, उस हाइट पे जाना है, और जैसे उसको क्रॉस करेंगे खारदुंगला आ जाएगा। एवरी डे इज अर्थ डे, यस राइट सर। देखो भैया साइकिलिस्ट, हम बाइक से राइड कर रहे हैं और तेज लेके जा पे। ये देखो हम बाइक से घूम रहे हैं या साइकिल से घूम रहे हैं, क्या बात है, ये साइड पे साइकिलिंग। साउथ पुल्लू 14 किलोमीटर, देख रहे हो स्काई, देख रहे हो स्काई का कलर, देख रहे हो एकदम बिल्कुल ब्लू। लेह सिटी में 8 बजे ही गर्मी अच्छी खासी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू किया भैया ठंडी लगनी शुरू हो गई है, हाथ थोड़े थोड़े से फ्रीज होने शुरू हो गए हैं। लुक एट दिस माउंटेन्स गाइस, लुक एट दिस माउंटेन, सी दिस मैन, सी दिस, ही इज रनिंग इन लद्दाख ले। जब यहाँ पे चलने में लोगों के सांस फूलने लगते हैं और सर रनिंग कर रहे हैं, वो भी खारदुंगला टॉप की तरफ। ये जो पहाड़ दिख रहा है यही है खारदुंगला पास, खारदुंगला टॉप। और ये सामने जो है ये है साउथ पुल्लू, यहाँ पे होगी हमारे व्हीकल की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री होने जा रही है लद्दाख में, दो रखा हुआ है, किस पे करना है? पहले तो यहाँ पे एक ऑफिसर बैठते थे, हो सकता है लेट से जाके बैठेंगे, अभी कोई नहीं है, अभी खुद से एंट्री करनी पड़ी। लेह में इतनी गर्मी थी और जैसे जैसे खारदुंगला की तरफ बढ़ रहा हूँ बिल्कुल उन गया,
जमते जा रही हैं। चॉकलेट्स लिए हैं मैंने बच्चे जो मिलते हैं उनको देने के लिए, डिकैथलॉन से लिया था, देखता हूँ कितना यूज़फुल है ये। ये देखो जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है उनको यहाँ लगा दिया गया है और लिखा हुआ है प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। इन रास्तों पर सच में यार आराम से चलना, क्योंकि एक छोटी सी गलती ना आपने जान से हाथ धो दोगे। ये देखो लैंडस्लाइड वाला पूरा पत्थर सब टिका हुआ है, कभी भी किसी वक्त भी कहेगा बेटा चलते हैं नीचे घूमने। देख रहे हो उस माउंटेन के पैरेलल हम आ चुके हैं, और ये पहना जो मैंने ग्लव्स उसके बाद भी हाथ जो है मतलब क्या ही बोलूं मैं, हाथों की उंगली हाथों करें उंगलियों की अभी भी हालत ख़राब है भाई इतना कुछ पहनने के बाद भी। वेलकम टू खारदोंगला पास लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ रहा ये रहा खारदोंगला पास, भैया पहुँच गए। कैफे खुला है ना, यहाँ कुछ खाया जाएगा। ओके दिस इज खारदोंगला पास, लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ पूरा का पूरा स्नो जमा हुआ था। 16TF विजय पार्क, एल्टीट्यूड जो है 17,982 फीट है भैया। वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मल्टी खारदोंगला। खारदोंगला पे पहुँचते ही यहाँ जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें चाय सर्व किया है, सही। तो सुबह सुबह ठंड में गर्मा गर्म चाय सर लोगों ने दिया। पीछे देखो, पीछे देख रहे हैं वहाँ पे चाय सर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए इंडियन आर्मी को थैंक यू सो मच सर। एंड गाइज माइटी खारदोंगला की जो हाइट है 17,982 फीट के हाइट पे खड़े हैं। एक टाइम था जब खारदोंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, अभी शायद फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे है। समझ सकता हूँ जब इंसान टॉप पे रहता है और उसके बाद चीज़ें नीचे नीचे धीरे धीरे सड़कती जाती है तो तकलीफ होती है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। अभी जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो हो गया है उमलिंगला, वो भी जाएंगे, उमलिंगला भी जाएंगे। तो गाइज यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगा 1.5 घंटे, सो ब्लॉग का एंट्रो तो किया नहीं था। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। एक टाइम था यहाँ पे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के डेट में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेह के आसपास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, जिस कारण से ऑक्सीजन की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे तो भाई बच्चे भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खारदोंगला पर दिख रहे हैं, आराम से खड़े हैं। सो हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। तो देखा जी फ्री में चाय मिला हमें, इंडियन आर्मी ने सर्व किया चाय। यार इंडियन आर्मी लव है यार, प्यार है। और अभी खारदोंगला से नीचे उतर रहा हूँ, रोड काफ़ी ख़राब दिख रहा है यार। लास्ट टाइम जब आए थे तो रोड तो अच्छे थे, इस टाइम पे रोड थोड़ा ख़राब दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या ना कि ये जो पोर्शन है ना खारदोंगला चढ़ाई का जो 6-7 किलोमीटर है, और खारदोंगला से उतरने का 7-8-10 किलोमीटर है जय शंकर, इस पर स्नो बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है, जिसके कारण रोड्स मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। शिट, एक्सीडेंट हो गया। लोग चला भी तो रहे हैं हवाई जहाज की तरह, वो कहाँ चला गया। शिट, ये लोग ऐसे चला रहे हैं ना हवाई जहाज की तरह, पता नहीं क्या रेसिंग चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी गए ना नीचे, लिखा हुआ हर जगह कि आराम से चलो, लेकिन नहीं, आराम से कैसे चलेंगे, दौड़ाएंगे उड़ाएंगे। पता नहीं कौन सी रैली निकली हुई है MH-14 की, गए ना अभी भीतर। चलो शॉर्टकट लेते हैं, लेट्स डू शॉर्टकट। सो गाइस 2 घंटे की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंचा था नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पे लास्ट ईयर भी हम सारे चारों फ्रेंड्स बैठ करके सात लोग थे यहीं पे लंच किया था, और इस बार भी मैं यहाँ रुका, उनसे वीडियो कॉलिंग किया, उनसे सबसे बात की, उनको ये जगह दिखाई, और आज भी मेरा स्टिकर यहाँ पे चिपका हुआ है। सो जो अभी खाने का जो चार्ज आया, मतलब जो बिल आया, वो आया 2 पराठे 2 चाय, 160 का बिल आया। और कुछ भाई लोग हमारे इधर दिख रहे हैं, ये लोग तो ये लोग केरला से राइड कर रहे हैं, एक्चुअली केरला से नहीं कर रहे हैं, ये लोग आए हैं केरला से, लेह से बाइक ली है इन लोगों ने, और
अभी कुछ चीज़ें हमसे पूछ रहे थे कैसे कैसे घूमना है, तो मैंने इनको गाइड कर दिया, तो राइडर्स मिलते रहते हैं यार। सो मिलवाता हूँ एक बार उनसे। हाँ अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शुहैब, फ्रॉम केरला। केरला, और रहते हो अबू धाबी में? अभी अभी मैं केरला से। अच्छा आप केरला में रहते हो? कैलिकट। ओके थैंक यू। और अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिशाम, केरला से हूँ। हाँ। और अबू धाबी से। ओके आप? हाय मेरा नाम हर्षित एंड केरला से आ रहे हैं, अभी अबू धाबी से। बाइक आप लोगों ने हायर किया है ना? हायर किया हमने, ले से। ले से। शशांक भाई बहुत हेल्प किया। अरे थैंक यू सो मच। और एक भाई ये है हमारे। हाय जमजीत हियर, आई एम फ्रॉम केरला, सेटल्ड इन दिल्ली। ओके डूइंग बुक देयर। कैसे लग रही राइड, कैसे लग रही है? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। आज फर्स्ट डे है ना? या फर्स्ट डे इन दिस रोड। दिस रोड वी रीच हियर इन लद्दाख बिफोर 2 डेज। ओके ओके ओके, एक्विलाइट होना जरूरी था भाई। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू ब्रो, सी यू सो मच, बाय। और एक हमारे भाई ये है। हाय चल मे, मेरा नाम फहद है, आई एम फ्रॉम केरला। और आप भी अबू धाबी में? नहीं नहीं मैं केरला से, केरला में बिजनेस है। तो कैसी लग रही है राइड अभी? मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। चलो राइड से गाइस, राइड से मिलते हैं। तो चलिए गाइस निकलते हैं हम भी फटाफट। यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलोगे ब्रंच हो चुका है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। सो जी यहाँ पे भी एंट्री है, नॉर्थ पुल्लू में भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। पहले साउथ पुल्लू में किया था, अब नॉर्थ पुल्लू में। जैसे ही नॉर्थ पुल्लू से आप नीचे उतरोगे, रोड का काम चल रहा है लेकिन ऑफ रोड हुआ पड़ा है क्योंकि रोड्स टूट गए हैं। लास्ट ईयर जब मैं जून में आया उस समय तो ये रोड बड़े अच्छे थे, मैंने बताया था ना कि इधर स्नो होता है, तो स्नो में मेंटेन करना रोड को भी बहुत बड़ा काम है। और चेतक मेरा डार्लिंग इतना मस्त दौड़ रहा है इस ऑफ रोड पे, क्या ही बोलूँ यार, चुम्मा लेने मन कर रहा है इसको, चुम्मा। लास्ट ईयर तक जो था, जब मैं आया था लास्ट ईयर लद्दाख करने, उस टाइम तक आपको जहाँ जहाँ जाना है उसका प्रिंट निकालना पड़ता था, और प्रिंट निकाल करके डीसी ऑफिस जा करके स्टैंप लगवाना पड़ता था। या तो आप खुद जा करके लाइन में लगो या फिर किसी एजेंट को दे दो, तो वो लोग करते थे, राइट। इस साल से हुआ है कि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरो, और उसमें साइट का नाम है लद्दाख प्रिंट, लद्दाख परमिट प्रिंट डालोगे ना गूगल पे तो आ जाएगा और सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। सब क्लिक करना, ये नहीं कि ये चीज़ चूज़ किया वो चीज़ चूज़ किया, क्योंकि पैसा सेम लगने वाला था, सारा सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें से प्रोसीजर दी हुई हैं, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, UPI कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तो जितने दिन का स्टे होगा उतने दिन का चार्ज आपको लगेगा। जैसे मैंने 9 दिन का लिया था, या हाँ 9 दिन का लिया है, तो 600 रुपीज चार्ज हुआ मुझे। लेट्स डू शॉर्टकट, लेन बंद कर दिया गया है। अरे यार ये गलत है यार, ये गलत है, बाइकर्स को तो जाने देना चाहिए यार, एडवेंचर करने आए यार। क्या यार खलसर 12 किलोमीटर है यहाँ से यार, खड़े होकर चलाने का अलग ही मजा आ रहा है भाई। हिमालयन का स्ट्रैडलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लिटरली बहुत मज़ा आता है। देखो मैं एकदम पूरा एकदम 6 फीट का आदमी बाइक पे पूरा खड़ा है और चला रहा है बाइक। लेट्स गो। ये लास्ट टाइम मैंने किया था, हम लोग जब ग्रुप में थे ना तो लास्ट टाइम भी हमने किया था ये वाला पैच, मुझे याद है। शक्का शक्का लक्का बूम बूम, मतलब संस्कार करके ही मन नहीं भरा। तो कैसे हैंडल घूम रहा था क्योंकि पूरा सैंड वहाँ डाला हुआ था। यार ये जो भी है ना लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऑफ रोड जहाँ से आ रहे हैं उसके आगे जहाँ से एंट्री है और जहाँ से एग्जिट है वहाँ जो
कभी पत्थर कहीं बालू डाल दे रहे हैं, गलत बात है भैया, गलत बात है, बहुत से गलत बात है भैया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना नूबरा वैली, इधर जाएंगे अपन, राइट जाएंगे तो श्योक वैली चले जाएंगे। ओके चलिए, वैली देखो यार, वैली देखो यार, वैली देखो, ये नीचे जो रिवर बह रही है ना श्योक रिवर है। आप सीधे चले जाइएगा तो पनामिक चले जाइएगा, हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट क्योंकि हमें जाना है तुरतुक। सीधे चलो सुमुर और चालुंगा, यहाँ दिस्कित थोइस। हाँ जी, तो दोस्तों इस जगह पे बहुत लोग इस रोड पर रुक करके फोटो क्लिक करवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे यूट्यूबर्स के ड्रोन शॉट्स भी देखे होंगे जो बाइक को फॉलो करता रहता है। और ये सीधा स्ट्रेट है, कम से कम इधर और इधर, ये जो रास्ता इधर से आ रहा है, मैं इधर से आ रहा हूँ और इधर को जाना है मुझे। तो ये जो पूरा वहां से लेकर के वहां तक का जो स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का ये लेंथ है। तो अगर आप भी आते हो तो इस मेटालिक रोड पर बैठ करके फोटो निकाल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अकेले भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैं अकेले ही फोटोज निकाल रहा हूँ सारे। यहाँ पे डांस भी कर सकते हो, डांस करके वो कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, जो कि बहुत वायरल हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अपने पास कोई है नहीं कुछ करने वाला, तो जो भी है खुद करूंगा, सोलो कर रहा हूँ राइड, तो सोलो ही सारी चीजें हैं और मैं अकेले ही। वो गाना है ना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। सो हम हैं अकेले, हमको नहीं होना है दुकेले, हम बस अकेले घूमेंगे, मजे करेंगे और आपको भी अपने व्लॉग के माध्यम से मजे करवाते रहेंगे। तो चलिए ड्रोन शॉट निकालते हैं हम भी।